लेगेसी और ये जो चीज़ होती है इसको दो तरीके से इंसान ले सकता है। एक तरीका ये भी होता है कि बहुत बहुत अच्छी चीज़ है, आप बहुत फॉर्चुनेट लकी इंसान हैं कि आप ऐसे ख़ानदान में पैदा होते हैं और आपको सात ख़ानदान के साथ जेनरेशंस का एक्सपीरियंस, खून, जीन्स सब मिलता है। दूसरी परेशानी सिर्फ दूसरी तरफ ये है कि एक लोगों के एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होते हैं आपसे, ये बहुत ज़रूरी है, नॉर्मल है। दूसरी चीज़ ये है कि उसके अलावा बहुत से लोग उस चीज़ का आड़ लेते हैं, अरे भाई मैं बहुत बड़े लेगेसी हूँ, मैं बहुत बड़ा घराना है भैया, अरे बाप रे बाप देखो मेरा घराना, देखो मैं खलीफा हूँ, मैं घराना। अरे घराना और खलीफा का क्या फ़ायदा अगर आप स्टेज पे चढ़ के, तब तो आप अकेले हो जाते हैं। जब कोई शुजात को सुन रहा होता है, नो वन केयर्स आप बाप कौन है, दादा कौन है, क्या घराना है, आप मुझे खुश कर सकें तो बहुत अच्छा है और नहीं कर सकें तो गड़बड़ है। सो इट इज़ अ बिटर स्वीट थिंग, दोनों तरफ से उसको देखा जाता है। मैं उसको अच्छा मानता हूँ कि अच्छा है इंसान के ऊपर प्रेशर हो तभी वो कुछ आगे बढ़ सकता है, वरना कोई क्यों कुछ करेगा। सभी की जैसे वो थोड़ी बहुत ही जैसे सबकी थी, वो तो हम लोग भी करते थे, छेड़ा उसको, तेरा उसको, छुपाया उसको, ये किया उसको, बदमाशी करी, ये सब मेरा ख्याल है सबके बचपन में एक ही जैसा होता है। मेरा बचपन थोड़ा अलग था भाई, हम लोग बहुत दूर रहते थे, शिमला में रहते थे और स्कूल था, तो मेरे पास शैतानियों का टाइम थोड़ा कम था क्योंकि 9 से 2 तक स्कूल होता था, उसके बाद थोड़ा स्पोर्ट्स खेलते थे, फिर घर आके थोड़ा सो जाते थे, फिर रात भर रियाज करना है, फिर थोड़ा सोना है, तो शैतानी बदमाशियों का टाइम कम। मगर वो बाद में जाके एज आई ग्रू अप तो वक्त मिला, शैतानी भी करी, बदमाशियाँ भी करी, छेड़खानियाँ भी करी, ये एक दिस इज़ अ पार्ट ऑफ आर लाइफ। छोटी छोटी चीज़ें बहुत हम लोग सभी जैसे सब करते हैं, वो होता रहता था। मगर मैं ये नहीं कह सकता आई वॉज अ प्रैंकस्टर, जैसे कुछ होते हैं तो तैयार हो तो तैयार ही रहते हैं कि किसी को क्या छेड़े, और स्पेशली किसी को ऐसे तरह कुछ करें या छेड़ें जिससे किसी को तकलीफ हो, देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन, लाइन बहुत छोटी है कि आप किसी के साथ हंस रहे हैं या किसी पे हंस रहे हैं। तो खैर, तो दिस इज़ अ जैसे सबका है वैसे ही हमारा भी।
आप अगर अपना स्कूल दिन याद करें आपको पता लगेगा बच्चों को कोई परवाह नहीं है आप किसके हैं, बच्चे हैं, कोई आपका बाप दादा, कोई कुछ नहीं फर्क पड़ता है, कुछ नहीं। चिल्ड्रन हैव नो फिल्टर। तो मैं ऐसे भी, मेरा स्कूल शिमला में था, मैं बिशप कॉटन में था, तो मैं, मेरे वालिद साहब शिमला चले गए थे ताकि मैं एकांत में म्यूज़िक को फॉलो कर सकूँ ना, टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर, आउटिंग ये सब नहीं था, नहीं करके, ताकि एक नींव बन जाए। उसके बाद तो खैर ज़िंदगी में बाहर निकलना ही है। स्कूल में भी कुछ चंद टीचरों को मालूम था कि मैं किसका बेटा हूँ, मगर आई हैड नथिंग टू डू विद म्यूज़िक। स्कूल में पढ़ाई किस तरह मुश्किल से पढ़ाई होती थी, उसमें गाली खाते रहते थे क्योंकि पढ़ते नहीं थे ठीक से। स्पोर्ट्स में बहुत रुचि थी तो आई बाहर नियरली सभी कुछ करते थे, तो वो थोड़ा रिडीम हो जाता था। मगर जहाँ तक म्यूज़िक का सवाल है, ना किसी को मालूम था, ना किसी को एक मुझे कहता था। वो आखिरी में होता है कि भैया एक बजा दो, मगर स्कूल में सितार बजाता है क्या लेना देना किसी को। सो आई थिंक देर वॉज नो स्पेशल ट्रीटमेंट और डिफरेंट ट्रीटमेंट क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। अहंकार से नहीं कह रहा हूँ, आई एम जस्ट स्टेटिंग अ फैक्ट, प्लीज़ इसको आप गलत ना लेके जाइए। लेकिन इस वक्त हिंदुस्तान में जो मैं गाना बजाना करता हूँ, लोगों को अच्छा लगता है, इनके दिल को लगता है, खुश होते हैं, उसका श्रेय और बहुत बड़ा रीज़न ये भी है क्योंकि बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े आर्टिस्ट, उस ज़माने के हर आर्टिस्ट आके विलायत खान साहब के साथ मेरे घर पे रहते थे दिना दिनी, हफ्ते हफ्ते, और मैं उनको बैठ के सुनता था, उनकी बातें सुनता था, उनके तरीक़ा सुनता था, उनका दिमाग देखता था, उनका गाना बजाना सुनता था। ऐसा कोई आर्टिस्ट नहीं है आज हिंदुस्तान में मेरे युग का जिसने इतने सारे आर्टिस्टों के साथ महीनों, सालों, हफ्तों गुजारा है। भीमसेन जोशी जी मिल गए लंदन में, अरे मैं इंग्लैंड में 10 दिन हूँ, तू क्या कर रहा है? कि मैं वापस हिंदुस्तान जाने वाला, नहीं 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 चलो मैं गाड़ी से इधर उधर घूमना है, तुम मुझे, उनको चलाते फिर रहा हूँ एक हफ्ता 10 दिन उनके साथ गाड़ी में घुमा रहा हूँ, होटल में चेक इन कर रहा हूँ, उनको रह रहा हूँ, उनके साथ प्रोग्राम पे जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, एक एक चीज़ें उनकी सुन रहा हूँ, वो मुझे समझा रहे हैं, बता रहे हैं। उस्ताद आमिर खान साहब का मेरे घर पे आना, बड़े गुलाम अली खान साहब के साथ छोटा सा मैं, मेरे वालिद साहब के साथ उनके पास जाना, मैं कितने नाम लूँ कि जिनके साथ हम लोग ने बेबाह वक्त गुजारा है, और वही चीज़ें हैं जो आज मेरे गाने बजाने में नज़र आती हैं लोगों को, और वो आह वाह वाह सब करते हैं। सो मोस्ट ऑफ इट इज़ बिकॉज आई हैड दैट अपॉर्चुनिटी। बहुत स्ट्रगल का वक्त जब से निकल रहा था, मैं, कोई सुनता नहीं था मुझे, बड़ी तकलीफ़ की बात थी, पता नहीं ये, अरे भैया दूसरों को दे दो, बुद्धि देते हैं शायद है ये सब, ये बेचारे इन लोगों को प्रोग्राम शो छुजात के लिए क्या, हो तो विलायत खान का बेटा है और गाड़ियाँ हैं, घर है। उस वक्त तकलीफ़ के टाइम पे भीमसेन जोशी फ़ोन करके, अरे भैया तुम बहुत दिन से नहीं बजाए हो, इधर आओ सवाई गंधर्व में बजाओ, मैं बजा रहा हूँ। तो जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ, लोगों ने चिल्ला चिल्ली शुरू करी, तो मैंने ऐसे घड़ी दिखाया, मैंने बोला भाई टाइम हो गया, मेरा टाइम हो गया, मैं बहुत टाइम का बड़ा पाबंद हूँ, दूसरों का वक्त नहीं लेना चाहिए। तो सामने बैठे हुए किसी को भेजा अपने स्टूडेंट को, तो स्टेज पे आया, मैंने क्या हो गया, कह देखे भीमसेन जी तुम्हारी घड़ी मंगा रहे कि घड़ी मत दिखाओ, आराम से गाना बजाना करो। इस किस्म का प्यार और साया और मार्गदर्शन जिस इंसान के ऊपर हो, वो ग्रेट आर्टिस्ट बने या ना बने, सक्सेसफुल बने ना बने, मेरे लिए तो मेरी ज़िंदगी मुकम्मल हो जाती इन लोगों के प्यार से। मन लागो मोरे यार, मन लागो मोरे यार, फकीरी में मन लागो मोरे यार, धन माया जब साथ नहीं हो, झुकते सब मजबूरी में मन लागो मोरे यार, मन लागो मोरे यार। तो गाना तो बड़ा सरल है, मगर उनसे सीखने को मिलता है, उन लोगों से सीखने को मिलता है कि आप उसको फील करो, उसको महसूस करो,
तब पता लगाएगा तुम्हें क्या हो तब। तो आजकल के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, उनके बहुत बड़े बच्चे हैं, वो तो घर में ही बड़े बड़े घरों में पले हैं और नौकर चाकर है, गाड़ी घर है, उनको कैसे मालूम कि वो फकीरी के गाना गा रहे हैं। जब हम लोग घर से निकले, हम लोग पार्क के बेंचेस में सोए, बेघर से बेघर रहे, दो दस दस दिन रोटी मुश्किल से मिली, कभी किसी दोस्त ने खिला दिया, कभी किसी ने खिला दिया, ये जब तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है तो पता लगता है कि अंदर जाके तकलीफ़ क्या होती है। देन आई कैन सिंग अबाउट इट ना। तो हर चीज़ को महसूस करते हैं। तो उन लोगों के साथ बैठ के भी पता लगता था कि इन लोग कैसे कैसे रास्तों से गुजरे हैं कि वो उसको महसूस कर सकते हैं जब वो गाते हैं। उसके पीछे की वजह थी कि मेरी मेरे बाप से बनती नहीं थी, सिंपल। मेरे वो मेरे गुरु थे, और जहाँ गुरु का बात आता था और उनके गायकी का बात और उनके गाने बजाने का बात था, वो मेरे खुदा हैं। तो उसमें कोई बात ही, देयर इज नो टू वेज। वो उन्होंने बोल दिया दिन अभी अभी, ओ भैया अभी रात है, अच्छा जी रात है, ख़त्म। मगर मैं भी बहुत स्टबर्न, सख्त, वॉलेटाइल किस्म का इंसान हूँ। तो जब बड़ा होने लगा, मैं क्लैशेस ज़्यादा बढ़ गए, हर चीज़ उनकी मैं मानने को तैयार नहीं था, और उनके आसपास जो लोग उन्होंने आ गए थे वो सिर्फ हाँ जी हाँ जी हाँ जी करने वाले, जैसे बड़े आर्टिस्टों के होते हैं, और मैं उस हाँ जी में नहीं शामिल हो सकता था, इसलिए उनको मुझसे तकलीफ़ होती थी, मुझे उनसे। तो मेरे लिए मैं ऐसे छोड़ के नहीं गया कि मैं जा रहा हूँ। धीरे धीरे मैंने थोड़ा काम निकलाया, एक महीने का कहीं तो 6 महीने चले गए, 15 दिन का निकला तो 3 महीने बाद, और फिर उधर से उधर, उधर से उधर। तो बेसिकली आई सेपरेटेड माई सेल्फ कि मैं, मुझे पैसे का शौक़ नहीं है। इतना ऊपर वाले ने मेरे औकात और हैसियत से ज़्यादा दिया है कि मैं बहुत कंफर्टेबली जीता हूँ। मेरी बीवी है, वो सब ध्यान रखती है मेरा, और मुझे खाना अच्छा मिल जाए। मुझे कपड़ों वपड़ों का शौक़ नहीं है। मुझे को मैं मेरे पास 8 कुर्ते हैं, वो भी या तो काले या तो क्रीम। बड़ी शर्मिंदगी होती है दूसरे आर्टिस्टों को जो कलरफुल कपड़े पहनते हैं, सिल्क पहन रहे हैं, और इतने बड़े बड़ी कढ़ाई है, और इतने बड़े बड़े सोने के चेने हैं। आप देख रहे हैं मेरे पास कोई कोई ज्वेलरी नज़र आ रही है आपको? तो वो मुझे लगता है, बहुत से आर्टिस्टों को देख के लगता है कि ये तो अपने बीवी के सारे ज्वेलरी यही पहन के आया है, तो बीवी क्या पहनी हुई होगी घर पे। अरे क्या तुम आर्टिस्ट हो? तुम कोई कोई ड्रामा में राजा का तो रोल नहीं प्ले कर रहे हो ना? व्हाट आर यू डूइंग? इज देयर अ लिमिट? और इसलिए कर रहे हो कि आप मेरे को इम्प्रेस करो कि आप इतना अमीर हो। क्यों पहनता है इंसान सोना? क्यों पहनता है? इसलिए पहनता है ना। औरतें अच्छी लगती हैं, वो अपने तिलक हैं हमारे घर की, वो पहने ओढ़े अच्छा लगता है। आप कितना पहनोगे? आपने अंगूठियाँ पहनी, ठीक, ये समझ में आ रही है ना, एक अंगूठी होती है, कुछ होता है, कुछ स्टोन होता है, पतली सी चेन, इतना बड़ा बड़ा, सब बप्पी लाहिरी होके घूम रहे हैं। एक हद होती है, हद होती है। तो ये एक आपकी इडियोसिंक्रेसी है कि आप देख, आपके अंदर कोई कमी है कि आप अपने आपको, आप मुझे इम्प्रेस कर रहे हो अपने कुत्तों के रंग और कस्ते से, ये कोई बात नहीं है। सो आई मीन कमिंग बैक टू द पॉइंट कि बाहर निकल के ये हुआ कि नॉर्मल ज़िंदगी क्या है, मुझे लोग कैसे परसेप्शन करेंगे मेरा, और मेरा गाना बजाना समझेंगे या नहीं, और मैं दुनिया में घूमूंगा, अलग अलग चीज़ें करूंगा, लोगों से मिलूंगा, और गाना और म्यूज़िक मेरा एक ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। मगर ज़िंदगी में सिर्फ म्यूज़िक नहीं है, मेरे मेरी फैमिली है, दोस्त हैं, ट्रैवल करता हूँ, मेरे कुत्ते हैं, मुझे अलग अलग चीज़ों का शौक़ है। तो आई वॉन्टेड टू एक्सपीरियंस लाइफ इन एज बीइंग शुजात खान, और उससे अजीब अजीब चीज़ें हुई, ह्यूमिलिएशन हुए, पुट डाउन, शर्मिंदगी लोगों ने महसूस करवाई, तकलीफ दिया, पैसे की तकलीफ, मगर अच्छे अच्छे लोग भी मिले, हंसे बोले, दुनिया देखी, ऐसी ऐसी जगह मैं गया हूँ जहाँ आर्टिस्ट का बाप भी नहीं गया हो, ऐसी ऐसी जगह। साइबेरिया में कौन गया है? कोई क्लासिकल आर्टिस्ट को निकालो जी आप, साइबेरिया में, लेक बाइकाल में, मंगोलिया में, कहाँ का प्रोग्राम करके। मगर ये ऊपर वाले का ये उस वक्त का था कि टाइम निकाल के आई वॉज एबल टू सी ए डिफरेंट पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड, और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ दैट आई वॉज गिवन दिस अपॉर्चुनिटी, बिकॉज विलायत खान साहब को तो मैं बेटा ही हूँ, और उनके साथ मैं आखिरी दिन तक उनके साथ था,
उनके साथ गाना बजाना किया, उनके साथ अस्पताल में रहा, सो दैट इज़ ऑल डिफरेंट। मगर उस वक्त सेपरेट होने का ये रीज़न था।